एक मुस्लिम और एक ईसाई के सफर का वाक्या। एक बार की बात है, एक मुसलमान और एक ईसाई दोनों सफर के साथी बने क्योंकि दोनों को एक ही मंजिल पर जाना था। लिहाजा उन्होंने सोचा कि इकट्ठे सफर अच्छा गुजरेगा। अभी मंजिल पर पहुंचने में 2 दिन बाकी थे कि दोनों का सफर में खाने का सामान खत्म हो गया। दोनों आपस में सोच विचार करने बैठे। मुसलमान ने मशवरा दिया कि एक दिन आप दुआ करें कि हमें खाना मिले, दूसरे दिन मैं दुआ करूंगा कि खाना मिले। ईसाई ने कहा पहले आप दुआ करें। लिहाजा मुसलमान ने एक तरफ होकर अपने परवरदिगार से दुआ मांगी तो थोड़ी देर में एक आदमी गर्म गर्म खाने के तश्त लेकर आ गया। ये देखकर मुसलमान बहुत खुश हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरी इज्जत रख ली। इस्लामिक स्टोरी। खाना खाकर दोनों चैन की नींद सो गए। दूसरे दिन ईसाई की बारी थी। वह देखने में बड़ा सुकून में नजर आ रहा था। उसने एक तरफ होकर दुआ की। थोड़ी देर में पहले दिन से दुगना खाना आया। ईसाई की खुशी की हद न रही। मुसलमान दिल ही दिल में बहुत परेशान हुआ। उसका जी ही नहीं चाहता था कि खाना खाए। ईसाई ने उसे उदास देखा तो कहने लगा, आप खाना खाएं तो मैं आपको 2 खुशखबरियां सुनाऊंगा। जब खाने से फारिग हो गए तो मुसलमान ने पूछा कि बताएं क्या खुशखबरी है। ईसाई ने कहा पहली खुशखबरी तो यह कि मैं कलीमा पढ़कर मुसलमान होता हूं और दूसरी खुशखबरी यह है कि मैंने यह दुआ मांगी थी कि ए अल्लाह, अगर इस मुसलमान का आपके यहाँ कोई मकाम है तो आप खाना अता फरमा दे। लिहाजा अल्लाह ताला ने खाने के 2 तश्त आपके इकराम की वजह से अता फरमाए। आशिक सादिक की अल्लाह ताला के यहाँ बड़ी कद्र व कीमत होती है। सन 1973 ईशून्य की बात है कि एक आदमी इस आजिज से मिलने आया। वह 16 साल से लगातार रोजे रख रहा था। मेरे दोस्त बड़े हैरान हुए कि यह 16 साल से लगातार रोजे रख रहा है। मैंने कहा यह काम इतना मुश्किल नहीं है। वह कहने लगे कैसे मुश्किल नहीं है, सर्दी गर्मी सेहत बीमारी सफर हजर हर वक्त रोजे से रहना बहुत मुश्किल है। मैंने कहा अच्छा तो उसी से पूछ ले। चुनाचे उन्होंने उस आदमी से पूछा कि क्या आपको रोजा रखने में कोई दिक्कत पेश आती है। वह कहने लगे नहीं। फिर वह मुझे कहने लगे कि यह क्या मामला है। मैंने कहा यह इसकी आदत बन गई है। कुछ लोग दिन में 3 दफा खाना खाते हैं और कुछ लोग सुबह व शाम 2 दफा खाते हैं। इसी तरह आप यूं समझे कि यह भी दिन में 2 दफा खाना खाते हैं। एक दफा सहरी के वक्त और एक दफा इफ्तियारी के वक्त, लिहाजा इनकी यह आदत बन गई है। मैंने कहा कि उनसे कहें कि आप सौमे दाऊदी रखें, यानी एक दिन रोजा रखें और दूसरे दिन नागा करें। चुनांचे उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आप सौमे दाऊदी रख सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन्होंने पूछा वह क्यों, तो कहने लगे इसलिए कि यह तो मेरी आदत बन गई है और दिन के वक्त अब मेरा कुछ खाने को दिल ही नहीं करता। अगर मैं एक दिन खाऊं और एक दिन रोजा रखूं तो इसमें मेरे नफ्स पर ज्यादा बोझ होगा जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैंने कहा देखो, यह जो अपनी मर्जी से मुजाहिदा करते हैं वह काम आसान है, लेकिन हदीस में जो तरीका आया है उसके मुताबिक काम करना इसलिए बहुत मुश्किल है। रोजा रखिए मगर सुन्नत के मुवाफिक। काफिले के सरदार ने बताया जादू नहीं, मैंने उनको हुजूर सल्लशूने को आंखों से देखा और उनकी आवाज अपने कानों से सुनी है।
अटूजल में तमाम लोगों से खिताब करते हुए कहा, कुछ नहीं, इस काफिले ने भी मोहम्मद सल्ल शून्य से सांठगांठ कर ली है। आओ इसकी बातें न सुनो वरना तुम भी बहक जाओगे। तमाम कुफार काफिले वालों का मजाक उड़ाते हुए रवाना हुए। चूंकि काफिले वालों को मेराज शरीफ का हाल मालूम न था, इसलिए वे हैरत से कुफार को देखने लगे। सरदार ने काफिले वालों से कहा, ऐसा लगता है कि ये लोग कुछ दीवाने हो गए हैं। आप ही तो सवा करते हैं और आप भी मुंह चढ़ाते हैं और मजाक उड़ाते हैं। काफिले वालों ने कहा, इन लोगों के पागल होने में कोई शक नहीं है, न जाने ये ऐसी हरकत क्यों करते हैं। सरदार ने जोश में आकर कहा, जाने दो इन पागलों को। काफिला धीरे धीरे चलता रहा, यहाँ तक कि वह मक्का शहर में दाखिल होकर गायब हो गया।